सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडोज़ 10 के बारे में, विंडोज़ 8.1 के बारे में, विंडोज़ 7 के बारे में, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हार्डवेयर पे ठीक काम करता है, अच्छा काम करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट नहीं है। और साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि इन बातों के बारे में बात करना पॉइंटलेस क्यों है। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि इस बारे में बात करना पॉइंटलेस क्यों है। तो देखिए, बात ऐसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2020 में विंडोज़ 7 एक्सपायर हो जाएगी। हालांकि विंडोज़ 7 आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पीसी में तो चलेगी ही, लेकिन हो सकता है आपको ड्राइवर का अपडेट ना मिले आपके ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर का, और हो सकता है कि ब्राउज़र सपोर्ट करना बंद कर दे। तो जो नए ब्राउज़र आएंगे वो विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10 पे चलेंगे। अब ऐसे में विंडोज़ 8.1 आपके पास ऑप्शन अभी भी बचता है, लेकिन 2023 तक वो भी एक्सपायर हो जाएगा। और विंडोज़ 7 एक्सपायर तो 2020 में होगी, लेकिन उसका हार्डवेयर सपोर्ट तो काफ़ी पहले से ही बंद हो गया है। जो इंटेल के 6th जनरेशन प्रोसेसर आए और जो राइजन प्रोसेसर आए वो विंडोज़ 7 को सपोर्ट नहीं करते, और हो सकता है 2023 से पहले ही विंडोज़ 8.1 का भी हार्डवेयर सपोर्ट बंद हो जाए। तो जो लोग नया पीसी बिल्ड करेंगे, जो लोग नए प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, भले ही उनका प्रोसेसर लो एंड हो, जो लोग नया प्रोसेसर नई रैम लगाएंगे, नया पीसी बिल्ड करेंगे, उनके में विंडोज़ 8.1 शायद ना चले। जो लोग आगे चल के बिल्ड करें, और जो लोग अभी नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं उनके में तो विंडोज़ 7 चलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके पास विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 का ऑप्शन बच ही नहीं रहा है, आपके पास विंडोज़ 10 ही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विंडोज़ 10 आपकी मजबूरी बन चुकी है, और पूरे तरीके से तो नहीं बनी है, लेकिन आगे चल के बन जाएगी मजबूरी। अब ऐसा इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट अब आगे विंडोज़ नहीं बनाएगा, और इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि अब वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट देता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अब विंडोज़ 10 नहीं है बल्कि अब विंडोज़ है। यही वजह है कि इतने सालों में विंडोज़ की बिल्ड रिलीज़ हुई, एनिवर्सरी अपडेट आए और भी तरह तरह के अपडेट आए, लेकिन कोई नया OS निकल के नहीं आया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लेकिन आगे माइक्रोसॉफ्ट अपनी पॉलिसी चेंज भी कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो एक अलग की बात है। तो आप ये तो समझ गए कि विंडोज़ 10 काफ़ी हद तक आपकी मजबूरी है, और फ्यूचर में ये और ज़्यादा आपकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है। तो सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को किस बेस पर बेटर कहा जाता है, क्या क्यों बेटर कहा जाए, किस लिए बेटर कहा जाए। तो देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक है उसका नया वर्जन, उसका एक अपडेट है। आप मान लीजिए कि नई विंडोज़ है, ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कम रिसोर्सेज लेता है, ये ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है और आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एंड्रॉयड का, ये है एंड्रॉयड 2.3 जिंजर ब्रेड, काफ़ी पुराना एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड चल जाता है 1 GHz सिंगल कोर प्रोसेसर पे और 512 MB रैम पे। ये लेटेस्ट एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ओरियो है, ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है लेकिन हाँ ओरियो है। और इसको आप सोच भी नहीं सकते 1 GHz के सिंगल कोर प्रोसेसर पर 512 MB रैम पर चलाने का, मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस पर चलेगा ये ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है। इसको आपको कम से कम 2 GB रैम तो देनी ही पड़ेगी और एक ड्यूल कोर प्रोसेसर देना ही पड़ेगा। इवन आज के जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाले फ़ोन हैं वो हैंग होने लगते हैं जिनमें 4 GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटर इस बेस पे कहा जाता है कि वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा लेके कितनी ज़्यादा चीज़ें हमको दे रहा, कितने ज़्यादा फंक्शंस दे रहा, कितने ज़्यादा फीचर्स हमको दे रहा है। तो एंड्रॉयड को कंपेयर नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं विंडोज़ के ऊपर। तो विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 7 दोनों की रिक्वायरमेंट, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम है विंडोज़ 10 से। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट, रैम की रिक्वायरमेंट विंडोज़ 10 से कम है। लेकिन विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ लगता है कि रिक्वायरमेंट होने के साथ साथ आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर आपका काम विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 में ही चल रहा है। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे देखने में ऐसा लगा कि विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, रिसोर्सेज वो ज़्यादा ले रही है, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रिसोर्सेज ले रहा है, प्रोसेसिंग पावर ले रहा है, लेकिन बदले में हमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा। हालांकि इसका एक रीज़न ये भी है कि विंडोज़ 10 जो है वो पुराने हार्डवेयर के संग थोड़ा कंपैटिबल भी नहीं है, क्योंकि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको नए हार्डवेयर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप पुराना कोर टू क्वाड लेते हैं या 2010 या 11 के टाइम का i3 i5 लेते हैं तो प्रोसेसर भले ही पावरफुल हो, लेकिन ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेटेस्ट हार्डवेयर के हिसाब से डिज़ाइन है, तो थोड़ी दिक्कत उसमें करेगा।
लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये अनऑप्टिमाइज भी है, ये ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, उसमें बहुत सारे बग्स भी हैं। तो विंडोज़ 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 से ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है, ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, ज़्यादा रैम चाहिए, लेकिन बदले में हमें ज़्यादा फीचर दे नहीं रहा है। थोड़ा सा मतलब वैसे कहें तो ज़्यादा पावर खा रहा है, ये ज़्यादा रिसोर्सेज खा रहा है, आपको ज़्यादा फीड करना पड़ रहा है इसको प्रोसेसिंग पावर, लेकिन बदले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक पावरफुल पीसी है, जैसे राइजन 2700X वगैरह वाला पीसी हो गया या फिर i7 लगा हुआ है, तो विंडोज़ 10 को आप चला सकते हैं आराम से। दिक्कतें तब भी आएंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे बग्स हैं भी और अपडेट के संग बग्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा लैग महसूस नहीं होगी। वहीं पर अगर आपका हार्डवेयर पुराना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको ज़्यादा फीड करना पड़ता है, ज़्यादा रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, तो आपको लैग भी दिखेगा, आपका एक्सप्लोरर खुलने में थोड़ा टाइम भी लेगा, दिक्कतें भी आपके संग होगी। ऐसे में विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 7 दोनों ठीक परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे पुराने हार्डवेयर में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उनका सपोर्ट भी बंद होने वाला है, और विंडोज़ 7 का तो बंद हो ही जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट बंद कर देगा, अपडेट नहीं भेजेगा, उसके बाद कोई भी प्रोग्राम का अपडेट उस पर नहीं आएगा, और 2023 में 8.1 का सपोर्ट भी बंद हो जाएगा, तो फिर हो सकता है आगे चल के आपकी मजबूरी बन जाए विंडोज़ 10 को यूज़ करना, लेकिन अभी भी काफ़ी समय है विंडोज़ 8.1 के लिए। अब विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 इन दोनों को मैं यूज़ कर चुका हूँ, पेंटियम 4 पे चला के देख चुका हूँ, और ये दोनों इंस्टॉल हो गए, और विंडोज़ 10 के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो 10 पे वो पेंटियम 4 पे इंस्टॉल होगी। मतलब कि इतने कम पावर वाले पीसी में भी ये जो है दोनों इंस्टॉल हो गए, पीसी बूट हो गया, ज़्यादा अच्छे तो नहीं रन कर रहे थे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक के बाद एक मैंने इंस्टॉल करके देखा था, लेकिन फिर भी काम हो रहा था, उस पर चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह खुल रहा था। 10 के बारे में आप सोच भी नहीं सकते पेंटियम 4 पे, और मेरे ख्याल से 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने मैकेनिकल ड्राइव को ऑब्सोल्यूट कर दिया है, यानी कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको SSD की ज़रूरत महसूस होने लगेगी कि हाँ मुझे SSD चाहिए, जबकि विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 7 के संग ऐसा नहीं है, आपको SSD की ज़रूरत इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पावर ले रहा है, ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा, ज़्यादा रैम ले रहा, लेकिन बदले में आपको ज़्यादा कुछ फंक्शंस और फीचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा इतना सब कुछ लेने के बाद। वहीं पे मतलब ये कहा जाए कि विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 में कोर में तो चेंज है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोर में चेंज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने वही उठा के दे दिया, लेकिन एक यूज़र के हिसाब से ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं जा रहा है। विंडोज़ के कोर में तो चेंज है। अब विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7 कह रहा हूँ, विंडोज़ 8.1 मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन लोगों को इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस बड़ा ही अजीब था, लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से, तो लोगों को नहीं पसंद आया, इस वजह से जो है फिर विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया गया, आगे चल के उसका यूज़र इंटरफेस बदला गया, लेकिन विंडोज़ 10 कह सकते हैं आप काफ़ी हद तक बहुत बगी है, और उसके अपडेट्स भी बड़े ही अजीबोगरीब हैं। और विंडोज़ 10 की मैं आपको एक ख़राब चीज़ बताता हूँ जो विंडोज़ 10 शुरू में रिलीज़ हुआ था। विंडोज़ 10 जब रिलीज़ हुआ था तब आप उसका अपडेट बंद नहीं कर सकते थे, यानी कि अपडेट को बंद नहीं किया जा सकता था, और ये इतना ख़राब फीचर था कि किसी का कैरियर तक बर्बाद कर सकता था। वो टाइम ऐसा था जब जियो नहीं था और लोग 2G इंटरनेट भी यूज़ करते थे, और 2G इंटरनेट पे लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देते थे। अब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत लो है, अपडेट आप बंद नहीं कर सकते, अपडेट कभी भी आ सकते हैं, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी अपडेट आ गया और आपका ब्राउज़र क्रैश हो गया, आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे वो चला गया अपडेट की वजह से। और विंडोज़ 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के एरर देखे गए हैं, सबसे ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, विंडोज़ 8.1 में भी आया, 7 में भी आया, लेकिन 10 में सबसे ज़्यादा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखा गया। और विंडोज़ 10 की हमने काफ़ी बुराई कर ली है, आप थोड़ी सी इसके अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ मैंने कीवर्ड्स लिख के रखे हैं यहाँ पे ताकि मैं आपको कुछ बताना भूल ना जाऊँ। तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8.1 जो हैं दोनों थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, टैबलेट में भी यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब कि इनका यूज़र इंटरफेस फ्लेक्सिबल है। विंडोज़ 7 एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपको स्टोर नहीं मिलता है और भी कई चीज़ें नहीं मिलती, आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कंप्लीट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8.1 जो है वो मोबाइल के हिसाब से थोड़े डिज़ाइन है, टैबलेट के हिसाब से डिज़ाइन है, ताकि अगर उनको किसी अदर तरीके की मशीन में डाला जाए, जैसे टैबलेट हो गया या फ़ोन में तो उनका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन टैबलेट वगैरह में अगर डाला जाए तो वहाँ पे भी वो ढंग से काम करें। और मैं देख लेता हूँ, विंडोज़ 10 का ऑडियो बहुत अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी विंडोज़ 10 की विंडोज़ 8.1 विंडोज़ 7 दोनों से ज़्यादा है। और विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, मतलब अभी तो दो ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 में आपको रियल टेक का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, वो बहुत सारे केसेस में इथरनेट का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता था। और विंडोज़ 8.1 विंडोज़ 10 में क्या होता है कि रियल टेक अगर आप नहीं भी इंस्टॉल करेंगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो भी आपका ऑडियो आ जाएगा, ऑडियो चलने लगेगा। विंडोज़ 7 में लैपटॉप के स्पीकर तो काम करते हैं, लेकिन अगर आप पीसी में विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको रियल टेक का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके स्पीकर काम नहीं करेंगे, ये चीज़ होती है। वहीं पे विंडोज़ 8.1 में इंस्टॉल करते साथ ही आपके स्पीकर काम करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 में। कॉपी पेस्ट की बात की जाए, एक फाइल को दूसरी जगह कॉपी और पेस्ट करना हो, तो विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 ये दोनों 7 से फास्ट हैं कॉपी और पेस्ट करने में, यहाँ पे ये दोनों ही फास्ट हैं। बात की जाए अगर बूट टाइम की, तो अगर हार्डवेयर लेटेस्ट है, हार्डवेयर नया है, तो हार्डवेयर थोड़ा अगर लो एंड भी है तो भी विंडोज़ 10 बूट हो जाती है जल्दी, विंडोज़ 8.1 के बराबर ही स्पीड देती है। लेकिन हार्डवेयर अगर पुराना होता है तो वो अगर थोड़ा पावरफुल भी है तो भी विंडोज़ 10 टाइम लेगी बूट होने में, और विंडोज़ 8.1 जल्दी बूट हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, जिन्होंने कंप्यूटर्स रख के टेस्ट किया, मेरे पास तो मेरा एक ही पीसी है तो मैं 3-4 पीसी पे टेस्ट नहीं कर सकता, तो जिन लोगों ने भी टेस्ट किए उन लोगों ने ये बताया कि विंडोज़ 8.1 जो है वो ज़्यादातर केसेस में थोड़ी बहुत विंडोज़ 10 से फास्ट ही रही है, और विंडोज़ 7 से तो विंडोज़ 8.1 फास्ट है ही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे विंडोज़ 10 की तारीफ़ की, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 8.1 जो है वो फास्ट निकल गई है। और विंडोज़ 10 का जो यूज़र इंटरफेस है वो 8.1 से अच्छा है, 7 से अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 8.1 से तो अच्छा ही अच्छा है। और बात की जाए DirectX की, तो विंडोज़ 10 में आपको मिलता है DirectX 12। अब ये एक अच्छी बात भी है, प्लस ये एक मजबूरी भी है। जो लोग विंडोज़ 10 को पसंद नहीं करते हैं और वो गेम्स खेलना चाहते हैं और वो DirectX 12 का यूज़ करना चाहते हैं, तो विंडोज़ 10 उनकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं विंडोज़ 7 की। विंडोज़ 7 जब रिलीज़ हुई थी तो ये कंप्लीट पैकेज था, कंप्लीट पैकेज मतलब इसमें कोई बग्स नहीं थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने यूज़ किया, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लोगों ने ये नहीं कहा कि इसको सुधार की ज़रूरत है, ये दिक्कत कर रहा है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। विंडोज़ 8.1 भी मेरे ख्याल से कंप्लीट पैकेज था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत थी। एक तो वो कंपैटिबल नहीं था कुछ चीज़ों के संग, कुछ ड्राइवर्स के संग वो कंपैटिबल नहीं था, कुछ नेट सेटर्स के संग कंपैटिबल नहीं था। अगर नेट सेटर का सेटअप नहीं आता था, जो डोंगल आते थे अभी भी आते हैं, उसमें सिम कार्ड लगता था इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, तो विंडोज़ 8 में जब 8.1 नहीं आई थी, जब पहले 8 आई थी, तो उसमें क्या था कि वो सेटअप दिखाता ही नहीं था। ड्राइवर मतलब डोंगल डायरेक्ट चलने लगते थे, नेट से कनेक्ट हो जाते थे, मगर सेटअप नहीं दिखाता था। तो कुछ ड्राइवर के इश्यूज़ थे, कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ थे विंडोज़ 8.1 के अंदर विंडोज़ 7 के साथ। विंडोज़ 7 का कॉपी पेस्ट स्लो था, 8.1 का कॉपी पेस्ट फास्ट था, 8.1 का बूटिंग टाइम कम था, जल्दी बूट हो जाती थी, जल्दी बंद हो जाती थी। मगर 8.1 का यूज़र इंटरफेस लोगों को पसंद नहीं आया, इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे अपडेट भेजना चालू कर दिया। हालांकि विंडोज़ 10 की तरह नहीं भेजा, लेकिन फिर भी भेजे, जिस वजह से लोग ये कहने लगे कि विंडोज़ 8 अभी भी बीटा में है। 8 में ऐसा हुआ था कि लोगों को अपडेट मतलब लोगों को यूआई पसंद नहीं आया था, तो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट देने लगा था, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अभी भी बीटा में है, जबकि वो बीटा में नहीं थी, वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ 7 की तरह। विंडोज़ 10 जब मार्केट में आई तो ये कंप्लीट नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है, अपने पर्सनल ओपिनियन से मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें बहुत सारे बग्स थे तब भी, अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और समय के संग दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आती जा रही हैं। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस में पीसी रख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि विंडोज़ 10 उसमें इंस्टॉल ना करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
मान लीजिए एक पीसी ऑफिस में रखा हुआ है, उसमें विंडोज 10 है। विंडोज 10 में आपको ये पता हो कि अगर अपडेट अगर आप बंद भी कर देते हैं तो भी सिक्योरिटी पैचेस उसमें आते रहते हैं इंटरनेट के संग। और विंडोज 10 में बहुत बार अपडेट आते हैं, बार बार अपडेट आते हैं। आपका पीसी अगर लंबे समय से इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि देर तक कनेक्टेड है, तो हो सकता है जब आप बंद करें तो उसमें लिख के आ जाए डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, विंडोज इज अपडेटिंग 1%, 2%, 3%। उसके बाद जब आप ऑन करें तब भी आपकी स्क्रीन वहीं पर रुकी रहे, विंडोज इज अपडेटिंग योर पीसी। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई फाइल पे काम करके उसको जल्दी से जल्द भेजना है किसी को, अब ऐसे में क्या है कि वो ऑन कर रहा और लिख के आया विंडोज इज अपडेटिंग और बता रहा कि प्लीज़ वेट, रुके रहो, फिर 1%, फिर 2%, फिर 3%। और ये चीज़ें बार बार होती है विंडोज 10 में, विंडोज 10 में बहुत ज़्यादा अपडेट आते हैं, तो ऐसे में तो उसको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर उसने अपडेट बंद नहीं किए होंगे तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो विंडोज 10 एक ऑफिस के एम्प्लॉय को परेशान कर सकता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि कैरियर कैसे बर्बाद कर सकता है विंडोज 10। तो विंडोज 10 के अंदर दिक्कत ही दिक्कत है, विंडोज 10 में बहुत सारी ही दिक्कत हैं और पता नहीं कि आगे क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, लेकिन फ़िलहाल तो विंडोज 10 यूज़ करना काफ़ी लोगों की मजबूरी भी है जिन्होंने लेटेस्ट हार्डवेयर पे अपना पीसी बिल्ड किया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बहुत सारे लोग नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पसंद करते हैं तो वो विंडोज़ 8.1 पे स्विच भी नहीं करना चाहते। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारे कंप्यूटर में सब कुछ लेटेस्ट हो, सब कुछ अप टू डेट हो, अपडेटेड हो, तो वो लोग विंडोज़ 8.1 में स्विच नहीं करना चाहते। और मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि भाई हाँ, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि सब कुछ लेटेस्ट हो। ओवरऑल चीज़ें निकल के यही आती हैं कि विंडोज़ 10 ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा है, ज़्यादा उसकी डिमांड है प्रोसेसिंग पावर की, ज़्यादा रैम की। और अगर हार्डवेयर पुराना हो, हार्डवेयर अगर पुराना हो तो डिमांड थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं विंडोज़ 8.1 विंडोज़ और 7 लेस पावर में, लेस प्रोसेसिंग पावर में, लेस रैम को कंज्यूम करके वैसे ही काम कर देते हैं, बढ़िया काम कर देते हैं। विंडोज़ 10 ज़्यादा पावर ले रहा है लेकिन बदले में आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा है। विंडोज़ 10 में आपको कोर्टाना जैसे फ़ीचर मिल जाते हैं, जैसे सीरी में, जैसे एप्पल में आपको सीरी मिलता है, मगर ज़्यादातर लोग इस कोर्टाना को यूज़ नहीं करते हैं। मैंने कोर्टाना को यूज़ किया, मैं कंट्रोल पैनल सर्च कर रहा था और कोर्टाना ने मुझे कंट्रोल पैनल का रिज़ल्ट इंटरनेट पर दिखाना शुरू कर दिया, तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ और वो उसका रिज़ल्ट मुझे इंटरनेट पर दिखा रहा है। हालांकि बाद में विंडोज़ के अपडेट आए और ये चीज़ें फ़िक्स हुई। विंडोज़ 10 के जो मीडिया प्लेयर हैं वो खुलने में शुरू में टाइम लेते थे, विंडोज़ 8.1 से बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे और 7 से भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। जो MP4 प्लेयर है, जो भी प्लेयर हैं, जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर हैं विंडोज़ 10 के, तो ये ज़्यादा टाइम लेते थे, अब टाइम कम लेते हैं। तो ओवरऑल यही है कि विंडोज़ 10 अभी बहुत बगी है, ऐसा मेरा मानना है। अभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन साथ ही साथ इसमें अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे इसमें कोर्टाना है, इसका ऑडियो बहुत अच्छा है, ये फ्लेक्सिबल है, इसका UI विंडोज़ 8.1 से ज़्यादा अच्छा है। और हो सकता है कि आगे चल के इसमें सुधार हो जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से काम करने लगे, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन तो यही है कि विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 7 इससे कम रिसोर्सेज लेके इसी के जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और विंडोज़ 10 आपको कुछ ज़्यादा बढ़ के उनसे नहीं दे रहा है। हालांकि कोर में चेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर में चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा एक यूज़र के हिसाब से कुछ ज़्यादा दे नहीं पा रहा है। तो उसके बाद एक बात ये भी निकल के आती है कि दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को समय बाद एक्सपायर भी हो जाएंगे और हार्डवेयर सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन में विंडोज़ 10 ही बचता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो बड़ी अजीब है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है, विंडोज़ 10 अगर अच्छी हो जाती, स्टेबल हो जाती, तो फिर इससे अच्छी तो और कोई बात होगी नहीं फिर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।